गाइस मैं आपको ये दिखाता हूँ एक नर पिकॉक किस तरह से मादा पिकॉक को मेटिंग के लिए आकर्षित करता है। ये जो बैठा हुआ है अपने पंख फैला रहा है, अब देखो ये नीचे उतर के आ गया है। अब ये अपने पंखों को पूरी तरह से, ये देखो स्लो मोशन में मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल भी अपनी पूरी सोलह कला को प्रदर्शित करेगा। और पास में पड़ोस में ही बहुत सारी मादा पिकॉक्स हैं, वो सारी अब यहाँ इसके आसपास आ जाएंगी। ये देखो अब जो आपको इस पिकॉक के जो बड़े पंख हैं उनके पीछे का जो हिस्सा है, यानी पैर के ऊपर जो दिख रहा है आपको, ये रेड रेड सा, इस रेड वाले पोर्शन को जितना ये टाइट करेगा ना, उतना ही ये मादा इसकी तरफ आकर्षित होंगी। अब ये चार पाँच एक साथ इसके आसपास आ जाएंगी। अब इनका क्या पोजीशन है, क्या तरीका है, अब यहाँ पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको इस मादा और नर के मेटिंग का कुछ झलक दिखाई देगी। थैंक्स दोस्तों, और हाँ वीडियो का सब्सक्राइब ज़रूर करना और इसको देखते रहो लास्ट तक। देखो अभी तीन मादा पिकॉक आई हैं, एक परली साइड वो मादा जैसा दिख रहा है लेकिन वो मादा है नहीं, वो भी बच्चा है अर्ध विकसित। पंखों को पीछे जो रेड रेड हैं इनको जितना तेज हलाएगा उतनी ही मादा इसकी तरफ आकर्षित होती हैं। और मैं चाहता हूँ कि आज हमें ये वीडियो मिले जिसमें एक मादा और एक नर के बीच में मिलन हो। वाह कितना तेज पंखों में इतना वाइब्रेशन देता है, इतना वाइब्रेशन। अब बिल्कुल इसके पास में आई, बिल्कुल वाइब्रेशन करी, कुछ आया कुछ मौका तो है। देखते हैं क्या नर एकदम एक आवाज़ निकालता है च्यूं करके और इस मादा के ऊपर अपने आप को एकदम सटा लेता है और जो भी क्रियाएं होती हैं वो होना शुरू हो जाती है। लेकिन हम अभी तो इंतज़ार ही कर सकते हैं, देखते हैं क्या ये चीज़ मिलेगी। नमस्ते दोस्तों, अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करना। Thank you.
Mm-hmm.